हाँ, हमारी विदाई फिल्म थी कन्यादान थी, हमारी बहुत सारी फिल्में जो चली हैं ब्लॉकबस्टर भी रही हैं, वो बगैर अश्लीलता के बगैर बनी, तो जरूरी नहीं है अश्लीलता से गंदगी होती है, और ये फिल्म में हमको एक भी गंदगी नहीं दिखाई दी, थैंक गॉड। नहीं तो फिर वो ये होता ना, आप ही लोगों के सवाल हमेशा तीर हम पर पहले दागे जाते हैं क्योंकि मैं सीनियर हूँ, तो थैंक यू। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अश्लीलता ना डाल के बहुत सारा, देखिए हल्का छौंक मसाला होता है लेकिन ऐसा एकदम ढोनी ढोनी एकदम खोजने लगते हैं, वही एकदम पगला देता है वही लोग, अब उससे ढोनी से बाहर आना चाहिए। अभी हम लोग स्टैब्लिश्ड हो गए, अब ढोनी और ये सबसे बाहर आएंगे तो हम लोग भी बहुत अद्भुत बनेंगे। एक लास्ट सवाल चलते चलते खेसारी जी से, खेसारी जी ये ट्रेलर चल रहा था तो जितने भी दर्शक यहाँ बैठे थे सभी की सांसें ही नहीं बल्कि आंखें भी थम गई थी इस फिल्म को देखकर, तो आपको बहुत बहुत बधाई कि एक अच्छी फिल्म लेकर आए, क्या कहना चाहेंगे, इसके पीछे कितनी कठिन परिश्रम थी, क्या कहना चाहेंगे जी? खेसारी जी आपसे जानना चाहेंगे। हम अपनी सोच को अगर पर्दे पे उतार देते हैं तो वही हमारी सबसे बड़ी जीत होती है, और लाल बाबू जी ने और सुरेंद्र जी ने जो सोचा उस अपने सपने को पर्दे पे इन्होंने उतारा, इसके लिए मैं दिल से थैंक यू लाल बाबू जी को और सुरेंद्र जी को बोलता हूँ, पूरे टीम को बोलता हूँ जो जिला चंपारण से जुड़ी हुई है, कि सबने अपने 110% अपना मेहनत और वर्क किया है तभी एक अच्छी फिल्म बनी है। ये मैं ट्रेलर देखकर आज 10 दिन से पकड़ाया हुआ, मैं खुद इतना पागल हूँ कि मुझे बाकी कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा इसके अलावा, तो शायद आप सबका प्यार और आप सबका आशीर्वाद इस जिला चंपारण को सफल बनाएगा, और मेरी शुभकामना है आप सबके लिए कि आप लोग ऐसे ही हमें दिखाते रहिए और हमारी खबरों को लोगों तक पहुंचाते रहिए। थैंक यू भैया। सर डायरेक्टर लाल बाबू जी, लोगों को आप इसे यहाँ पे उपस्थित जितने भी हमारे भोजपुरी भाषी, जो हमारे भोजपुरी ऑडियंस और भोजपुरी इंडस्ट्री के से ताल्लुकात रखते हैं, जिसने हमारे न्योते पे यहाँ आने का कष्ट किया, अपना कीमती समय जिला चंपारण को और प्राकृतिक फिल्म को दिया, मैं अपने तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और विशेष विशेष बात, मैंने रवि सर जी को फ़ोन किया था, मुहूर्त के बाद वो कहीं बाहर थे तो उनको बोले थे बाबू हम जरूर आते लेकिन बाहर हैं, तो कल उन्होंने फिर फ़ोन किया, बोले सर आपको आना है, तो बोले जिला चंपारण के लिए मैं कल शाम को जरूर आऊँगा, और आए रवि भैया को मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे विशेष हमारे दिल के करीब सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी, जिन्होंने मेरी मेरी पहली भोजपुरी फिल्म है, मैं बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, 27-28 की करियर है हमारी बंगाली फिल्म से, लेकिन हमारी भोजपुरी हमारी पहली थी। इन्होंने एक नए डायरेक्टर के साथ भोजपुरी के लिए मेरे साथ काम करने के लिए जो इन्होंने हामी भरी, इनके लिए मैं भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और विशेष क्या बोलूँ, हमारे और विशेष धन्यवाद मधुरेंद्र राय जी को, सोनू पांडे जी को, सीमा जी को, जिला चंपारण बनने में तीनों नाम, रत्नाकर जी, ये चारों नाम